भारत सरकार के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज जिला महाचिकित्सालय परिसर में स्वच्छ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्मार्ट इंटर कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने इसका स्वच्छता के कार्यक्रम में भाग लेते हुए कार्यशाला में आए हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और एक संदेश दिया कि हमने अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम अपने घरों के कूड़े को इधर उधर फेंकेंगे तो हमारा वातावरण दूषित होगा और वातावरण के प्रदूषित होने से हम बीमार होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें हमेशा अपने व अपने घरों के आसपास की गंदगी नहीं होने देनी चाहिए। जी मैम, किस तरह कार्यक्रम किया गया और क्या संदेश दिया जा रहा है? ये जनता को दो तरह से संदेश दिया जा रहा है। एक तो ये है कि स्वच्छता जो है हम सबकी जिम्मेदारी है। खाली ये है, आप अस्पताल में आते हैं तो अस्पताल में जो स्वच्छता व्यवहार है वो अपनाएं। उसके अलावा एक दूसरा ये है कि आप यहाँ से कुछ आते सीखे और खुद रहा है अस्पताल में। हमने ये महसूस किया कि खाली हमारे जो है अस्पताल को साफ रखने से बात नहीं बनेगी, हमें अपने आसपास के जितना भी क्षेत्र है उसको भी जागरूक करना पड़ेगा और स्वच्छता जो है बताना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी कीटाणु जो है हमारे अस्पताल के आसपास की ना सड़क पे कूड़ा पड़ रहा था वो हटा दिया गया है। और उसमें वहाँ पे मुझे ये बताया गया था, वहाँ भी मैंने जो है कार्यक्रम करने की कोशिश करी तो वहाँ ये बताया गया था कि वहाँ पे कोई कूड़ा कंप्रेस करने की मशीन खरीदी जा रही है, तो वो अभी भी प्रोसेस में है या क्या हुआ? और ऐसा जो है जो मेयर है हमारी जो अंशु अग्रवाल जी चेयरमैन है नगर पालिका के, उन्होंने बताया कि ये वहाँ पे सबके ऑफिस है लेकिन इतना जबरदस्त कूड़ा गंदगी बदबू आती है निकलने में, लेकिन अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरा ये अस्पताल है और अस्पताल के जितना भी एरिया है वो हमारे मतलब पीछे की तरफ ज्यादा आता है और हमने उस पर ज्यादा ध्यान दिया है और वहाँ भी ध्यान दिया जा रहा है, मैंने इसको कहा हुआ है और इस पे भी एक्शन जरूर होएगा ऐसा मेरा मानना है। और जब हम सब जागरूक होंगे, बच्चे जागरूक होंगे और सबको करेंगे तो अपने आप ही जो है वहाँ भी हटेगा, ऐसा नहीं वो कूड़ा भी हटेगा। जी अर्षद जी, क्या कार्यक्रम किया गया है और कहाँ किया गया है और क्या इसका मैसेज है? मैं अर्षद सम्राट प्रधानाचार्य सम्राट इंटर कॉलेज। आज सम्राट इंटर कॉलेज के बच्चों द्वारा जिला महिला चिकित्सालय अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो हमारे गंदगी फैल रही है या आसपास थूकते हैं उनके बारे छात्रों के द्वारा ग्रुप कंडक्ट। कहाँ कहाँ कार्यक्रम किया गया और ये कब तक कार्यक्रम किया जाएगा? इससे पहले सम्राट पब्लिक स्कूल लद्दा वाले में, सम्राट इंटर कॉलेज रोड पर और मीना रोड पर, और अभी आज जिला चिकित्सालय में हुआ है और इसके बाद भी शहर में जगह जगह कार्यक्रम होते रहेंगे। अच्छा, किस तरह का सहयोग मिल रहा है सर जी इस कार्यक्रम में? जिला महिला चिकित्सालय को एक अच्छा सहयोग मिला है, बाकी समाज से सहयोग मिल रहा है कि हम शपथ ले रहे हैं कि हम गंदगी ना फैलाएंगे और ना फैलने देंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।